मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आई हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो आपको करना है लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि हमारे कपड़े पर जंग के निशान लग जाते हैं तो हम उसे किस तरह से हटाएं। आप ये हैंगर देख रहे हैं, इस हैंगर में जंग लगा हुआ था और मेरा ध्यान नहीं गया और इस पर ही मैंने अपने कुर्ते को हैंग करके रख दिया अलमारी में। आज जब मैंने पहनने के लिए देखा तो मेरे इस कुर्ते में जगह जगह पर जंग के निशान हैं। ये देखिए, खासकर पीछे के हिस्से में, आगे के हिस्से में भी 3-4 जगह निशान दिख रहे हैं और पीछे के हिस्से में तो ज़्यादा ही निशान दिख रहे हैं, क्योंकि हैंगर में खुद में जंग लगा हुआ था और ये कुर्ता जिस जगह से हैंगर से टच था वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा निशान दिख रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी हाउ टू रिमूव रस स्टैंड फ्रॉम क्लॉथ। तो इसके लिए दोस्तों हमें कोई ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घर की ही चीज़ों से आज मैं आपको कपड़ों में यदि जंग लग जाता है तो उसे किस तरह से हटाएं ये बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने टॉयलेट क्लीनर लिया है। ज़्यादातर सभी के घर में टॉयलेट क्लीनर होता है, आप किसी भी कंपनी का लें, हार्पिक जो भी हो है आपके पास, ऐसा नहीं कि आप इस कंपनी का लें, जिसका भी हो आप उसे ले लें और जहाँ जहाँ जंग का निशान है वहाँ बिल्कुल एक छोटी सी ड्रॉप डालना। आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारा डालना है, दोस्तों आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी ड्रॉप डाल रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे जंग का निशान दिख रहा है। इसी तरह मैं आगे के हिस्से में भी इस जंग के निशान जहाँ है वहाँ डालूंगी और हमें कम से कम 1 से 2 मिनट रखना है। 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लीजिए, जो भी आपके घर पर डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ करते हैं उसे लेना आपको टूथब्रश में, और जहाँ जहाँ हमने हार्पिक डाला है और जहाँ भी जंग का निशान है वहाँ पर हल्के हाथों से हमें रगड़ना है। ज़्यादा ज़ोर से भी रगड़ेंगे तो भी हो सकता है हमारा कपड़ा फट जाए, कपड़ा तो कपड़ा है दोस्तों, हो सकता है चसक जाए वहाँ से, छेद भी हो सकता है, इसलिए हल्के हल्के हाथों से रगड़ें ताकि हार्पिक अपना असर कर सके। और साथ ही साथ दोस्तों उसके अलावा आप ये जो हम डिटर्जेंट पाउडर डाल रहे हैं उससे भी जंग का निशान बहुत जल्दी चला जाएगा, क्योंकि पहले हमने हार्पिक यूज़ किया है, हार्पिक में भी कुछ मात्रा में एसिड होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा जो कोको कोला होता है, 1-2 ड्रॉप यदि आप हार्पिक की जगह कोको कोला का भी डालते हैं तब भी आप देखेंगे कि रस्ट रिमूव हो जाता है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है ताकि थोड़ा सा गीलापन आए और मैं इसे अच्छी तरह से रब कर सकूं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है और इसे हल्के हाथों से हमें घिसना है, ये देखिए। और जैसे ही मैं इस तरह से लगाती जा रही हूँ साबुन ब्रश में डालकर इस तरह से, तो मुझे खुद को लग रहा है कि जो जंग का निशान है वो हल्का हुआ, गायब तो नहीं हुआ है परंतु फिर भी हल्का हो गया है। बहुत पुराना जंग है दोस्तों तो भी टॉयलेट क्लीनर डालने से निकल जाएगा, या फिर आपके पास कोई कोको कोला बचा हो, थोड़ा बहुत भी हो, आधा चम्मच भी कोको कोला की बॉटल में अगर वो बचा है थोड़ा सा, तो आप एक बार डाल कर देखें तो भी बहुत ही जल्दी जंग का निशान निकल जाता है। तो वापस मैंने थोड़ा सा साबुन लिया है और 1 चम्मच के करीब फिर से पानी डाला है ताकि मुझे रगड़ने में आसानी हो। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से जंग के दाग को निकाल सकते हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि जंग का दाग हम किस तरह से निकालें, तो आज मैं आपको ये पूरा शो करके दिखा रही हूँ। तो बस इसे हमें इसी तरह से रगड़ना है, उसके बाद हम इसे खूब अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ये दाग निकला है या नहीं। यदि नहीं निकला है दोस्तों तो आप एक बार फिर से कोई भी टॉयलेट क्लीनर की 1-1 ड्रॉप फिर से लगा कर रखें। हो सकता है जंग का दाग बहुत पुराना हो तो निकलने में 2 बार का टाइम लग जाए, 2 बार आपको टॉयलेट क्लीनर का यूज़ करना पड़े, तो आप वापस इसे सुखा लें और फिर से इसका यूज़ करें। परंतु मेरा दाग बहुत पुराना नहीं था, इस कुर्ते को मैंने थोड़े समय पहले ही हैंगर में लगा कर रखा था और जंग का निशान लग गया था, फिर भी मेरा इसमें से जंग का निशान बहुत कुछ कम हो चुका है। और दोस्तों जब हम इसे धोने के बाद जब हम इसे सनलाइट में सुखाएंगे तब तो निशान बिल्कुल उड़ जाएगा। जो भी हमारे कपड़े जिनमें दाग लग जाता है दोस्तों उन्हें आप वॉश करने के बाद सनलाइट में ज़रूर सुखाएं, कम से कम 3 से 4 घंटे सनलाइट में रखने से बहुत से दाग अपने आप हल्के हो जाते हैं। नए कपड़ों को आप मत रखें धूप में, परंतु जो दाग लग गया जिन कपड़ों में अगर उनके दाग को हटाना है तब तो आप ज़रूर रखें। अब आप देख सकते हैं 3 जगह जहाँ जहाँ जंग के निशान थे मुझे बहुत ही वहाँ पर हल्कापन लग रहा है बहुत ही, और अब मैं इसे धूप में सुखाऊंगी और धूप में सूखने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर निशान था। तो इस तरह से दोस्तों आप रस्ट को बहुत ही, रस्ट के जो स्टैंड पड़ जाते हैं उसे बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं।
और बस कपड़ा जब हमारा सूख जाएगा अभी धूप में 2-3 घंटे के बाद, तब तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा और ये मेरा कुर्ता बिल्कुल नए के जैसा हो गया, फिर से पहनने के लायक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।